फ्रेंड्स, क्या आप लोग ऐसा कोई फॉर्मूला ढूंढ रहे हैं जो आपको अपने गोल्स एंड डिजायर्स को अचीव करने में हेल्प करेगा? अगर हाँ, तो आज मैं निवेदिता आपसे शेयर करने जा रही हूँ नेपोलियन हिल के वो प्रैक्टिकल 6 स्टेप्स, जिनका जिक्र उन्होंने अपनी बुक थिंक एंड ग्रो रिच में किया है। 6 स्टेप्स फॉर्मूला एक ऐसा मेथड है जिससे आप एक डेडलाइन के अंदर एक स्पेसिफिक अमाउंट को अर्न करने के लक्ष्य को पाने के लिए अपने माइंड को प्रशिक्षित कर सकते हैं। नेपोलियन हिल के अनुसार, अगर आप में मनी वेल्थ को लेकर एक बर्निंग डिजायर है, तो आप खुद को कन्विंस कर पाएंगे कि आप उसे डेफिनेटली पा सकते हैं। हिल ये भी कहते हैं कि जो लोग मनी कॉन्शियस होते हैं, वो कभी भी बड़ी से बड़ी संपत्ति को अर्जित कर सकते हैं। नाउ लेट्स नो अबाउट द 6 स्टेप्स टू टर्न योर डिजायर इनटू गोल्ड। स्टेप नंबर 1, फिक्स इन योर माइंड द एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ मनी यू डिजायर। इट इज नॉट सफिशियंट मेरिली टू से आई वॉन्ट प्लेंटी ऑफ मनी, बी डेफिनेट एज टू द अमाउंट। मतलब अपने माइंड में सही से तय कीजिए कि आपको कितना धन चाहिए। ये कहना सही नहीं होगा कि मुझे बहुत सारे पैसे चाहिए। जो भी धनराशि आपको चाहिए, उसे निश्चित करें। एग्जाम्पल, आई वॉन्ट सेविंग्स ऑफ ₹1,00,000 इन माई बैंक अकाउंट। स्टेप नंबर 2, डिटरमिन एग्जैक्टली वट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न फॉर द मनी यू डिजायर। देयर इज नो सच थिंग एज समथिंग फॉर नथिंग। आपको ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप अपने निर्धारित धनराशि को कमाने के लिए क्या देने या सेक्रीफाइस करने को तैयार हैं। दोस्तों, इस दुनिया में कुछ भी फ्री में नहीं मिलता, और इसमें धन का संचय भी शामिल है। आप उस पर्टिकुलर अमाउंट को पाने के लिए एक्स्ट्रा आवर्स काम करेंगे, या जितने घंटे आप सोते हैं उसको कम करेंगे और उस गोल को पाने के लिए लग जाएंगे, या अपने फैमिली या फ्रेंड्स को जो आप टाइम देते हैं उसमें से थोड़ा कम समय उन्हें देंगे, या जो कुछ भी आप सेक्रीफाइस करना चाहते हैं वो डिसाइड करें। स्टेप नंबर 3, एस्टैब्लिश अ डेफिनेट डेट व्हेन यू इंटेंड टू पॉसेस द मनी यू डिजायर। आपको अब ये डिसाइड करना पड़ेगा कि आप कब तक अपने गोल को अचीव कर लेंगे। अगर आप बहुत दूर की डेट को फिक्स करेंगे, तो आपको ये लग सकता है कि आपके पास बहुत सारा समय है, तब आप हर काम को करने में देर कर सकते हैं। इसके विपरीत, अगर आप बहुत नज़दीक का डेट चुनेंगे, तो आप शायद बहुत चिंतित महसूस कर सकते हैं या टायर्डनेस फील कर सकते हैं। नेपोलियन हिल ने कहा है, अ गोल इज अ ड्रीम विद अ डेडलाइन। इसलिए बहुत सावधानी से एक ऐसे डेट का चुनाव करें जो आपको एक्शंस लेने के लिए फोर्स करे और आपके सबकॉन्शियस माइंड को एक्टिवेट करे उस लक्ष्य की ओर काम करने के लिए। स्टेप नंबर 4, क्रिएट अ डेफिनेट प्लान फॉर कैरिंग आउट योर डिजायर एंड बिगिन एट वंस, वेदर यू आर रेडी और नॉट टू पुट दिस प्लान इनटू एक्शन। अब समय आ गया है कि आपके लक्ष्य को पूरा करने के लिए आप क्या एक्शंस ले रहे हैं। आपको अच्छे से पता है कि आपको कितने रुपए कमाने हैं। आपने ये भी डिसाइड किया है कि आप कब तक उस स्पेसिफिक अमाउंट को पाना चाहते हैं। याद रखिएगा दोस्तों, प्लान इम्पॉर्टेंट है, बट उस पर एक्शन लेना उससे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है अगर आप उस गोल को अचीव करना चाहते हो। 1,000 मील की यात्रा एक छोटे से कदम से ही शुरू होती है। सो गेट रेडी टू टेक एक्शन। स्टेप नंबर 5, राइट आउट अ क्लियर कंसाइज स्टेटमेंट ऑफ द अमाउंट ऑफ मनी यू इंटेंड टू एक्वायर। नेम द टाइम लिमिट फॉर इट्स एक्विजिशन। स्टेट व्हाट यू इंटेंड टू गिव इन रिटर्न फॉर द मनी and describe clearly the plan through which you intend to accumulate it. अपने आइडियाज को कागज पे लिखना आपकी इच्छा को साकार करने की दिशा में सबसे पहला कदम है। एक थॉट तब तक अस्थाई होता है जब तक कि वह एक इच्छा न बन जाए और उसे लिख ना लिया जाए, ताकि आपका सबकॉन्शियस माइंड आपके उस लक्ष्य की ओर काम कर सके। आपका प्लान जब रेडी हो जाए तो उसे एक स्टेटमेंट में लिख लें। आप कितना धन कमाना और संचय करना चाहते हैं, समय सीमा, आप अपने गोल को अचीव करने के लिए रिटर्न में क्या दे सकते हैं, और जो भी स्टेप्स आप उठाएंगे वित्तीय सफलता यानी फाइनेंशियल सक्सेस को प्राप्त करने के लिए, वो सब कुछ लिख लें। साइकोलॉजिकली ये देखा गया है कि जो लोग अपने गोल्स एंड डिजायर्स को लिख लेते हैं, उनके लक्ष्य हासिल करने की संभावना उन लोगों की तुलना में 50% ज़्यादा होती है जो ऐसा नहीं करते हैं।
अपने गोल को स्टेटमेंट्स में लिख लेने से ये ज़्यादा रियल एंड अचीवेबल लगेगा और आपके पास एक क्लियर स्टेटमेंट होगा कि आप क्या चाहते हैं और आप उसे कैसे अचीव कर सकते हैं। स्टेप नंबर 6, रीड योर रिटन स्टेटमेंट अलाउड ट्वाइस डेली, वंस जस्ट बिफोर रिटायरिंग एट नाइट एंड वंस आफ्टर अराइजिंग इन द मॉर्निंग। एज यू रीड, सी एंड फील एंड बिलीव योर सेल्फ ऑलरेडी इन पोजिशन ऑफ द मनी। अफर्मेशंस का यूज़ हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने के लिए किया जाता है ताकि हमें अपने बारे में या दुनिया के बारे में सर्टेन थिंग्स पर विश्वास हो सके। इसका यूज़ हमें रियलिटी को क्रिएट करने के लिए भी किया जाता है जो हम पाना चाहते हैं, लाइक मनी, वेल्थ, ब्यूटी, लव, मैरिज, हेल्थ एक्सेट्रा। अगर आप डेली अपने उस पॉजिटिव स्टेटमेंट को ज़ोर से पढ़ते हैं तो उससे जुड़े हुए इमोशंस एंड फीलिंग्स में एक अद्भुत शक्ति का विकास होता है जो आपके वाइब्रेशंस को बढ़ाता है और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार वो चीज़ आपकी ओर आकर्षित होनी शुरू कर देती है जिसे आप अपने मन की गहराई से चाहते हैं। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है कि आप इन 6 स्टेप्स को फॉलो करें, स्पेशली स्टेप नंबर 6, और आप 100% सक्सेस को अचीव करेंगे। अंत में मैं यही शेयर करूँगी जो नेपोलियन हिल ने कहा था, वट एवर द माइंड कैन कंसीव एंड बिलीव इट कैन अचीव। गुड लक फ्रेंड्स, आई रियली होप कि आप सबको ये वीडियो यूजफुल लगी होगी और पसंद आई होगी। ऐसे ही और भी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फ्रेंड्स फॉर योर प्रेशियस टाइम एंड सपोर्ट। स्टे हैप्पी एंड ब्लेस्ड, टेक केयर एंड टाटा।